नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी में और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। इजराइल हमास युद्ध हर गुजरते दिन के साथ और भी खतरनाक होता जा रहा है। युद्ध कितना भयावह रूप ले चुका है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और साथ ही साथ पीएम नेतन्याहू को अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिपना पड़ा। दरअसल एक रॉकेट हमले से बचने के लिए दोनों नेताओं ने एक कदम उठाया था। जानकारी के मुताबिक सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री और पीएम नेतन्याहू के बीच तेल अवीव में मौजूद रक्षा मंत्रालय के एक कमांड सेंटर में बैठक चल रही थी, तभी रॉकेट हमले का सायरन बजा। दोनों नेता मीटिंग को बीच में छोड़कर बंकर में जा छिपे। करीब 5 मिनट तक दोनों नेताओं को बंकर में छिपे रहना पड़ा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मिलर ने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और युद्ध कैबिनेट के साथ सचिव की बैठक के दौरान हवाई हमले के सायरन बज गए और वो 5 मिनट के लिए बंकर में छुप गए। बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इसराइल के दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरान वो इसराइल के साथ अमेरिका की एकजुटता को फिर से दोहराने वाले हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्डन का भी दौरा कर सकते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।